हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति को लेकर आई हूं। इसके अंतर्गत मैट्रिक रिक्रूटमेंट की बात की गई है और इसमें जो योग्यता है वो सिर्फ 10वीं पास है। कुल पद 2000 आए हैं इसी, और इसमें ट्रेनिंग के लिए आपको किसी भी तरह के कोई फीस नहीं पे करनी है, ना तो किसी तरह का कोई एग्जाम देना है। आप इस पोस्ट को ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, हार्ड कॉपी नहीं है, ऑनलाइन ही आवेदन करना है, जो कि ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वेबसाइट में और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो नई जानकारी के रूप में आप देखिए इस तरह से विज्ञप्ति जारी हुई है, जो जारी है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो नया विज्ञापन खुल जाएगा, और जब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो इस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने विज्ञप्ति पे क्लिक किया तो ये वेबसाइट पे ये खुल के आ गया। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। तो इन्होंने बताया है कि एक स्वरोजगार मैत्री योजना है। तो मैत्री मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। ठीक है, ये मैत्री का फुल फॉर्म है। तो इसके लिए इनका ये क्या कर रहे हैं और इसमें क्या काम करना है आपको? पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत उत्तर प्रदेश से नवीन रोजगार मैत्री का ऑनलाइन चयन करने हेतु 2000 मैत्री, जिसमें से सामान्य के लिए कितना है, सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1400 सीट है और SC के लिए 500 तथा ST के लिए 100 सीट है। यानी कि टोटल 2000 सीटों का व्यवस्था की गई है, जिसमें कि कह रहे हैं कि 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप अपना सक्षम हो जाएंगे स्वरोजगार के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो योग्यता की बात करते हैं, शैक्षिक योग्यता की। तो इसमें योग्यता जो है आपको हाई स्कूल में साइंस से पास होना चाहिए। साथ ही साथ यदि इंटर भी आपका साइंस से है, जीव विज्ञान से, तो आपको वरीयता दी जाएगी। साथ ही जो दूसरा मुख्य पॉइंट है वो है कि आवेदक चयनित क्षेत्र का ग्राम पंचायत का निवासी हो, मतलब जिस ग्राम पंचायत में आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे वैकेंसी आई है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए तथा कार्य करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस खाली फॉर्म भरने के लिए भर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आईडी कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ कह रहे हैं कि यदि माइग्रेंट वर्कर है, पशु सखी है, प्रशिक्षित पैरामेट है, तो उनको वरीयता दी जाएगी। अब अगर यदि एज की बात करते हैं तो ये जो है इसकी 18 से 40 साल के मध्य है। साथ ही साथ जो भी इंडियन गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन है वो भी इस पे अप्लाई होगा। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 10 जून 2022 है। यह योजना क्या है? पूर्णतः स्वरोजगार सीजन की अवधारणा पर आधारित है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह रही कि हम आपको अपने यहाँ नौकरी देंगे, वो कह रही कि हम आपको इतना सक्षम कर देंगे कि आप अपना खुद ही स्वरोजगार डेवलप कर लेंगे। ठीक है, और सारा ही ऑनलाइन भरना है, कहीं भी जो है ऐसे ऑफलाइन नहीं भरना। साथ ही कह रहे हैं कि चयनित अभ्यर्थियों को चयन उपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा नहीं करेंगे, करेंगे वो स्वरोजगार के लिए ही कार्य करेंगे। तो ये इस तरह से इन्होंने दे रखा है कि आप ये शपथ पत्र वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपए के नोटरी के साथ। आइए देखते हैं कि इस पर कैसे फॉर्म भरना है। तो जैसे कि हमने ये दे रखा है UPLDB की साइट, मैंने बताया कि इस पर आप जाना है UPLDB की, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो है नई जानकारियों में अब आपको आवेदन करना है। तो मैत्री के ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, तो आप उस पर क्लिक किए। जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, इसी के अंतर्गत जो है स्वरोजगार मैत्री योजना आई हुई है। ठीक है, तो स्वरोजगार मैत्री योजना के अंतर्गत जो है आप क्या करेंगे, किसमें आएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आवेदन है। फिर आप देख सकते हैं आवेदन प्रपत्र को पढ़ सकते हैं, आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र है। और यदि आपको जानकारी लेना है कि कितने पशु, कितने पोस्ट हैं, कितनी चीज है, तो ये देखिए आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो है ये सारे जो है जगह हैं जहाँ पे सीट के बारे में आप जान सकते हैं। आप सीधे यहाँ से स्वरोजगार मैत्री की संख्या से डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ें, तो आ जाएगा कि आगरा में कहाँ कहाँ पे है, अलीगढ़ में कहाँ पे और कितनी सीटें हैं, बरेली में कौन कौन सी जगह पे हैं और कितनी सीटें अवेलेबल है। तो इस करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन प्रपत्र की। तो आवेदन प्रपत्र जब आप उसमें लॉग इन करते हैं तो इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने पीछे भी लिखा रखा है। उसके बाद इसको आप फॉलो, अगर यदि आपको एग्री करते हैं तो इसको सेव करिए और आगे बढ़ जाइए। और ये आवेदक का विवरण है। ठीक है,
आवेदक का विवरण, आपको नाम पता वगैरह देना है, श्रेणी देना है, ये सब देके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब ये भर जाएगा तो आपको शैक्षिक योग्यता वन विवरण भरना है साथ में, फिर बाद में जो है पूरा एक फॉर्मेट बन के आ जाएगा एप्लीकेशन का, वो जब आ जाता है तो आपको भी इसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।